थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों के बारे में जानते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। ये सब आपसे पूछ दिया जाए तो वही लिखिएगा जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म पानी डालने पर या गर्म करने पर जिसकी आकृति आसानी से बदल जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गर्म पानी हम डाल दिए और गर्म पानी डाल दिए या फिर गर्म किए तो उसका जो आकृति है, उसका जो ढांचा है, तुरंत ही ख़राब हो गया, तुरंत ही बदल गया, तो वो प्लास्टिक क्या कहलाएगा, थर्मोप्लास्टिक। जैसे में शादी में उपयोग की जाने वाली गिलास कितना नॉर्मल होता है, उसे अगर हम आग पर ले जाएंगे तो तुरंत ही वो ख़राब हो जाएगा, तुरंत ही उसका जो ढांचा है ख़राब हो जाएगा। पॉलीथीन, पीवीसी आदि, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको पर गर्म पानी डालने पर या फिर गर्म करने पर आसानी से रूप नहीं बदला जा सकता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। उदाहरण में समझिए, बैकेलाइट और मेलामाइन, यह बिजली के स्विच, बर्तन के हथथे, थाली आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। स्विच हो गया, बर्तन के हथथे हो गया और थाली, ये सब को आसानी से, ये सब का जो रूप है वो बदला नहीं जा सकता है गर्म करने पर, ठीक है। अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक तरफ आप ये लिख दीजिएगा और थर्मोप्लास्टिक में आप ये लिख दीजिएगा, आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से आ गई होगी। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।